अमेठी और रायबरेली लोकसभा सीट को लेकर पिछले कुछ दिनों से चल रहा सस्पेंस अब खत्म हो गया है और आखिरी वक्त तक कैलकुलेट करने के बाद कांग्रेस ने एक तगड़ा बाउंसर मारा है। पार्टी ने यह तय किया है कि राहुल गांधी अपनी पारंपरिक सीट अमेठी से नहीं बल्कि रायबरेली से चुनाव लड़ेंगे, जहां से अभी तक सोनिया गांधी चुनाव लड़ती और जीतती आई हैं। अमेठी लोकसभा सीट से इस बार गांधी परिवार के किसी सदस्य की जगह कांग्रेस पार्टी के पुराने वफादार केएल शर्मा पर दांव लगाया है। इसका मतलब साफ है, हारे तो केएल शर्मा और जीती तो कांग्रेस। नमस्कार, आप देख रहे हैं सियासी नुक्ता विद मुक्ता और आपके साथ मैं हूं मुक्ता सिंह। और आज के इस खास शो में हम नुक्ताचीनी करेंगे यूपी की गर्मा गर्म सियासत पर, जो आज का सबसे हॉट टॉपिक बना हुआ है। सबसे पहले बात अमेठी लोकसभा सीट की। ये वही सीट है जहां से साल 2019 में बीजेपी नेता स्मृति ईरानी ने कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी के खिलाफ चुनाव लड़ा और उन्हें करीब 55,000 वोटों से हराया था। ये हार बीजेपी की तरफ से उस वक्त कांग्रेस के ऊपर सबसे बड़ी चोट थी, क्योंकि 2004 में जब राहुल गांधी ने चुनावी राजनीति में कदम रखा तो सोनिया गांधी ने अपनी सबसे सुरक्षित अमेठी सीट उनके लिए छोड़ दी थी और खुद रायबरेली से चुनाव लड़ने लगी थी। इसके बाद से राहुल गांधी यहां से जीतते आ रहे थे, लेकिन 2019 में उनकी जीत के कारवां पर ब्रेक लगाकर स्मृति ईरानी ने गांधी परिवार के गढ़ अमेठी में कमल खिला दिया था। ईरानी से मिली हार के बाद राहुल गांधी ने केरल के वायनाड का रुख किया तो बीजेपी ने उन पर अमेठी की जनता को बीच मझधार में छोड़कर भाग जाने का आरोप लगाया। अमेठी के रास्ते संसद पहुंचने वाली केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने तो राहुल को डरपोक और भगोड़ा तक करार दे दिया था। बहरहाल 2024 के चुनाव शुरू होने से पहले ये अंदाजा लगाया जा रहा था कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़कर अपनी हार का बदला जरूर लेंगे। पिछले दो दिनों से कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश भी खुद इस तरह के बयान दे चुके थे, जिससे लग रहा था कि राहुल गांधी फिर से अमेठी से चुनाव मैदान में उतर सकते हैं। लेकिन आज कांग्रेस ने तमाम अटकलों पर पूर्ण विराम लगाते हुए यह औपचारिक तौर पर ऐलान कर दिया है कि राहुल गांधी अपनी पारंपरिक सीट अमेठी से नहीं बल्कि अब अपनी मां सोनिया गांधी की सुरक्षित सीट रायबरेली से चुनाव लड़ेंगे। पार्टी के इस फैसले से कयास लगाए जाने लगे कि राहुल गांधी को अपनी हार का अंदाजा है और इसी वजह से वो स्मृति ईरानी के सामने चुनाव लड़ने से बच रहे हैं। न सिर्फ राहुल गांधी बल्कि गांधी परिवार का कोई भी शख्स स्मृति ईरानी के सामने चुनाव लड़ने से कतरा रहा है। सवाल ये भी उठ रहे हैं कि हमेशा से कांग्रेस को मुसीबत से निकालने वाली प्रियंका गांधी को क्यों नहीं अमेठी से चुनाव मैदान में उतारा जा रहा है। अगर पार्टी प्रियंका को यहां से उतारती तो मामला टक्कर का हो सकता है, लेकिन लगता है कांग्रेस को फिलहाल प्रियंका के सुनहरे भविष्य की चिंता है और इसी वजह से केएल शर्मा को बलि का बकरा बनाया जा रहा है। तो कुल मिलाकर ये समझा जा सकता है कि एक ऐसी महिला जो राजनीतिक पृष्ठभूमि से नहीं आती, जिसे राजनीति का बस कुछ सालों का ही तजुर्बा है, आज उस महिला का देश के साथ यूपी की राजनीति में भी इतना कद बढ़ गया है कि आम नेता तो छोड़िए, गांधी परिवार का भी कोई सदस्य उनसे आमने सामने की टक्कर लेने से बच रहा है। आजादी के बाद से जिस अमेठी सीट पर गांधी परिवार का दबदबा था, वो अब उस परिवार के पंजे से निकल चुकी है। दरअसल 2019 के चुनाव के वक्त स्मृति ईरानी ने अमेठी के लोगों से ये वादा किया था कि अगर वो यहाँ से चुनाव जीती तो जनता को अपने सांसद से मिलने के लिए दिल्ली नहीं जाना पड़ेगा, और उसी वादे को पूरा करते हुए स्मृति ईरानी ने अमेठी में अपना घर तक बना लिया है। इससे ये संदेश गया कि वो अमेठी की जनता के बीच रहकर उनके लिए काम करेंगी। साथ ही वो हर मौके पर कांग्रेस और राहुल गांधी पर अमेठी के लोगों को ठगने के आरोप लगाती रही हैं, और वही उन्होंने आज भी किया। आज गांधी परिवार का अमेठी लोकसभा क्षेत्र से ना लड़ना इस बात का संकेत है कि प्रधानमंत्री मोदी जी के दिशा निर्देश में, उनके नेतृत्व में अमेठी में जो बहुमुखी विकास हुआ है, उस विकास के चलते आज अमेठी की जनता ये पूछ रही है कि अगर 5 साल भारतीय जनता पार्टी के सांसद द्वारा अभूतपूर्व विकास संभव हुआ अमेठी में, तो 50 साल से और विशेषतः 15 साल लापता रहने के बाद इतनी पीढ़ियों की हानि गांधी परिवार ने अमेठी लोकसभा क्षेत्र में क्यों की। कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व आज चुनावी रणभूमि से मुंह फेर रहा है। अमेठी से गांधी परिवार का ना लड़ना इस बात का संकेत है कि कांग्रेस पार्टी चुनाव में एक वोट पड़ने से पहले ही अमेठी से अपना हार स्वीकार कर चुकी है।
खास बात यह है कि स्मृति ईरानी अब अमेठी की मतदाता भी बन गई हैं। उनके प्रतिनिधि विजय गुप्ता के मुताबिक स्मृति ईरानी अब गौरीगंज के मेदन गांव से मतदाता हैं। पॉलिटिकल एक्सपर्ट रशीद किदवई की माने तो केंद्र में मंत्री होने की वजह से स्मृति ईरानी का राजनीतिक कद काफी ज्यादा बढ़ गया है। राज्य और केंद्र में बीजेपी की सरकार होने से अमेठी का विकास करने में स्मृति ईरानी को मदद मिली है। स्मृति अमेठी की जनता से भावनात्मक रिश्ता बनाने में कामयाब हुई हैं, तो वहीं राहुल गांधी का रिश्ता अब अमेठी से काफी हद तक टूट चुका है। आप भी सोच रहे होंगे कि राहुल गांधी कांग्रेस के इतने बड़े नेता हैं, फिर भला उनको हार का डर कैसे हो सकता है, या फिर एक सांसद की हार से पार्टी को क्या फर्क पड़ेगा। तो सुनिए, राहुल गांधी इस वक्त कांग्रेस का सबसे बड़ा चेहरा है। कांग्रेस राहुल को पीएम के तौर पर प्रोजेक्ट करना चाहती है, जबकि स्मृति ईरानी बीजेपी की टॉप 20 लीडरशिप में भी नहीं आती हैं। ऐसे में अगर राहुल अपने ही गढ़ में फिर से स्मृति ईरानी से चुनाव हार जाते हैं तो ये उनके पॉलिटिकल करियर पर बदनुमा दाग लगा सकती है। राहुल के अमेठी सीट छोड़ने पर पॉलिटिकल एक्सपर्ट रशीद किदवई कहते हैं कि अगर राहुल फिर से अमेठी से हार जाते तो उनकी राजनीतिक रूप से बड़ी किरकिरी होती, साथ ही कांग्रेस के आत्मविश्वास को भी धक्का लगता। ऐसे में राहुल गांधी ने दिल की ना सुनते हुए दिमाग की सुनी है और अपने राजनीतिक विवेक से चुनाव लड़ने का फैसला किया है। अब बात रायबरेली सीट की। पिछले चुनाव में कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी करीब 1.5 लाख से ज्यादा वोटों से जीती थी। रायबरेली के इतिहास पर अगर नजर डालें तो 1951-52 में हुए पहले लोकसभा चुनाव में रायबरेली और प्रतापगढ़ जिलों को मिलाकर एक लोकसभा सीट थी। उस चुनाव में यहां से इंदिरा गांधी के पति फिरोज गांधी कांग्रेस के टिकट पर लड़े और जीते थे। 1957 में रायबरेली सीट अस्तित्व में आई तो यहां से एक बार फिर फिरोज गांधी सांसद बने। 1960 में फिरोज गांधी का निधन हो गया। इसके बाद साल 1967 में इंदिरा गांधी ने रायबरेली सीट से ही चुनावी राजनीति में कदम रखा। उन्होंने निर्दलीय प्रत्याशी बीसी सेठ को करीब 91,000 वोटों से हराया। 1971 के लोकसभा चुनाव में फिर इंदिरा मैदान में उतरी और 1,12,000 वोटों से जीती। इसके बाद 1975 में देश में आपातकाल लग गया और 1977 में जाकर खत्म हुआ। आपातकाल की वजह से इंदिरा गांधी को इसी सीट से करारी हार का सामना करना पड़ा। 1980 में इंदिरा गांधी फिर से रायबरेली से चुनाव लड़ी और जीत गईं। 1984 में गांधी नेहरू परिवार के ही अरुण नेहरू ने इस सीट से जीत दर्ज की। 1989 में कांग्रेस की शीला कौल यहां से चुनाव जीती, वो इंदिरा की मामी थी। 1996 में शीला कौल ने अपने बेटे विक्रम कौल को उतारा लेकिन वो सीट हार गए। 1998 के आम चुनाव में बीजेपी के अशोक सिंह रायबरेली से चुनाव जीते। 1999 में कांग्रेस के कैप्टन सतीश शर्मा ने रायबरेली सीट पर वापसी की और फिर 2004 में सोनिया गांधी ने रायबरेली की सीट से राजनीति में कदम रखा। सोनिया ने तब सपा के अशोक कुमार को करीब 2.5 लाख वोटों से हराया था और उसके बाद से अब तक के चुनाव में रायबरेली से गांधी परिवार की जीत का सिलसिला जारी रहा। और 2019 में जब मोदी लहर थी तब भी कांग्रेस ने अपनी ये सीट जीती और इसीलिए इसे सुरक्षित सीट माना जाता है। लेकिन अब जब सोनिया ने अपनी सुरक्षित सीट अपने बेटे राहुल गांधी के लिए छोड़ी है तो ये देखना दिलचस्प हो जाएगा कि क्या राहुल गांधी अपने परिवार की लेगेसी को जीत में बदलकर बरकरार रख पाएंगे। वैसे राजनीतिक जानकारों की माने तो राहुल गांधी का अमेठी की जगह रायबरेली से चुनाव लड़ने का फैसला बिल्कुल सही है, क्योंकि रायबरेली अभी तक कांग्रेस के लिए सबसे सेफ सीट मानी जाती है। ये सीट कांग्रेस और राहुल दोनों के लिए कम रिस्की है। राहुल के यहां से जीतने की संभावना ज्यादा है, जबकि अमेठी से स्मृति को हरा पाना राहुल के लिए ज्यादा मुश्किल होता। इस खबर के बारे में क्या है आपकी राय, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए। तो फिलहाल के शो में बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए श्रेष्ठ भारत।